हेलो गाइस, वेलकम टू एनएनटीवी। मध्य नागपुर, जिसे लगातार नागपुर की हॉट सीट कहा जा रहा है, यहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ खेला हो गया है, वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ खेला हो गया है, ऐसा आरोप मजलिस के लोग और वंचित बहुजन आघाड़ी के लोग लगा रहे हैं। और ये खेला किसी और ने नहीं, खुद अनीस अहमद साहब ने किया है, ऐसा आरोप दोनों पार्टी के कार्यकर्ता लगातार लगा रहे हैं। क्यों वजह है? क्योंकि अनीस अहमद साहब ने फॉर्म ही नहीं भरा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो फॉर्म भरने नहीं गए, 3 बजे आज आखिरी वक्त था फॉर्म भरने का, और ऐसा बताया जा रहा है जावेद साहब की तरफ से कि अनीस अहमद साहब 3:01 पर फॉर्म भरने पहुंचे, यानी कि 1 मिनट लेट। चुनाव आयोग का ऐसा कानून है कि 3 बजे के बाद फॉर्म लेना बंद हो जाता है, और यही कारण बताते हुए अनीस अहमद साहब के फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। मध्य नागपुर से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। अब मध्य नागपुर में MIM के साथ खेला हो गया है, वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ खेला हो गया है। क्या है पूरा माजरा, देखे NNTV की पूरी रिपोर्ट आ रहा है। यहाँ पर में बहुत ज्यादा माहौल गर्म हो गया है, क्योंकि एक मुस्लिम नेता माननीय अनीस अहमद जब फॉर्म भरने जाते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। क्या है पूरा मामला, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर नेता जावेद साहब से बात करेंगे। मेरा बस एक ही सवाल है कि हम आप जो है अनीस अहमद साहब 2 दिन से जो है वो मुसलमानों में जो है एक रूमर्स फैला रही कि हमने वंचित बहुजन आघाड़ी से बी फॉर्म ला लिया है और हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मुसलमानों ने एक वो बनाया कि कांग्रेस के खिलाफ मुसलमानों को एक रोष था, एक गुस्सा था कि कांग्रेस ने जो है सीट नहीं दी है उन्हें, तो अनीस अहमद साहब को मुसलमानों ने अपना एक विकल्प माना था, ठीक है। पर अभी मैं जस्ट हम कीर्ति ट्राई के साथ अपना फॉर्म भरने आए हैं नॉमिनेशन करके उत्तर नागपुर का, हम जैसे बाहर खड़े हैं तो अभी मैं एक यहाँ पे नई चीज़ देख रहा हूँ कि जो आदमी जो है फॉर्म भरने आने वाला है तो फॉर्म भरने कितने बजे आता है, आज का आखिरी वक्त इतना था। आजकल 1 मिनट पर अनीस अहमद साहब कार में आते हैं और वहाँ पर खड़े होते हैं, और वहाँ का गेट जो है वो अभी हमारे को जैसे सूचना मिल रही है कि गेट वहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो आप मुसलमानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो मुसलमानों को कि मैं गया था और गेट बंद हो गया? क्या करना चाह रहे हो आप? ये किसी हिंदी फिल्म का दृश्य नजर आ रहा है। हिंदी फिल्म का दृश्य है, इसके पीछे कितनी चीज़ें चल रही है वो आपको देखना पड़ेगा, और उनसे आपको अभी बाइट लेना पड़ेगा कि आप कहाँ फंस गए थे, किसने आपको रोक के रखा था। पहले आप मुसलमानों की बात करते हो, हमारे कौम के जो हमारे इज्जत मवाब मुफ्ती अब्दुल कदीर साहब के साथ और इतने बड़े बड़े नेता है जो हमारे उनके साथ में वो रह के ऐलान करते हैं कि हम बहुजन वंचित आघाड़ी के साथ लड़ना चाहते हैं। उसके बाद में एक मुसलमान जिस जो रोष में था वो ये कह रहा था कि हाँ ठीक है, अब अनीस अहमद साहब आ रहे हैं तो उनकी तरफ प्यार मोहब्बत की निगाह से देख रहा था, पर ये आपने क्या स्टार्ट कर दिया, ये आपने क्या कर दिया 3:01 पर आके, क्या बताना चाह रहे हो आप कौम को? आपको ये चीज़ दिखाना पड़ेगा, ये जनता को बेवकूफ़ ये लोगों ने बहुत बना लिए है, ये चीज़ आपको बताइए।